विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं, अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है, जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग है हम, उत्तराखंड है हम। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 1553 68, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 1008, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 1098। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुंचे, इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन, पूजा अर्चना कर मांगी प्रदेश की खुशहाली की दुआ, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर चल रहे निर्माण कार्यों का भी लिया जायजा। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारियां तेज, खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी रख रहे हैं तैयारियों पर नजर, करोड़ों की योजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। और आपदा पर प्रदेश में गरमाई सियासत, धरना और उपवास कर रहे कांग्रेसी, सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा आपदा में सरकार ने तेजी से किया काम, विपक्ष को होना चाहिए खुश। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले बद्रीनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बता दें कि प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। बद्री विशाल से दुआ करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के कार्यों पर भी निरीक्षण किया। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस बीच उन्होंने बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों से बातचीत करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और पूरे प्रदेश के लिए कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ सुख शांति हो हर प्रकार से, और अभी अभी जो प्रदेश के अंदर आपदा आई है उस आपदा से हम लोग जल्दी उभरे, मैं भगवान से प्रार्थना करी है। वहीं इस बीच मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम के लिए मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है, इसके लिए 250 करोड़ रुपए की धनराशि भी मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण करते हुए प्रस्तावित कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। और साथ ही जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आगे का विजन है कि बद्रीनाथ जी में भी जो है वहाँ का मास्टर प्लान बनना है और उसके लिए 250 करोड़ रुपया हमारे पास आ गया है, तो उसमें कुछ अभी तक जो 28 बिल्डिंगें थी उनको ध्वस्त किया जा चुका है, उसका भी मैंने निरीक्षण किया है कि जल्दी से जल्दी उस पर भी काम हो, जिससे कि आने वाले समय में जैसे आज भव्य केदारपुरी का निर्माण हो गया है, उसका कार्य चल रहा है, उसी प्रकार से बद्रीनाथ जी का भी पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा अलग स्थान बने कि पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग वहाँ आए तो उनको लगेगा कि भव्य बद्रीनाथ का निर्माण हो चुका है। उम्मीद है कि केदारनाथ धाम की तरह आने वाले वक्त में बद्रीनाथ धाम का भी कायाकल्प होगा और इस बात की उम्मीद लोगों के साथ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी है कि भविष्य में केदारनाथ धाम की तरह बद्रीनाथ धाम की भी अपनी एक अलग पहचान होगी और देश दुनिया से तीर्थ यात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे। टाइम टीवी के लिए चमोली से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 नवंबर को केदारनाथ दौरा प्रस्तावित है। भाजपा पीएम मोदी के दौरे को लेकर दिन रात तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वह अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर चुके हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी दें तो सीएम धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा बहुत खास है। केदारनाथ में भी आपको जानकारी दे देते हैं कि केदारनाथ धाम में भी पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया है कि प्रधानमंत्री देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंग और शंकराचार्य के जन्म स्थल पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। देश भर के श्रद्धालुओं को चार धाम के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। आपदा को लेकर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। आज देहरादून में आपदा पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने सचिवालय का कूच किया है। हालांकि कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने सचिवालय कूच से पहले ही रोक दिया। आपको बता दें कि इससे नाराज कांग्रेसियों ने सचिवालय के पास ही सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया समेत कांग्रेस के तमाम नेता शामिल रहे। जिस तरीके से आपदा प्रबंधन में लापरवाही बरती गई है और आज भी लोगों तक पूरी मदद नहीं पहुंची है, सड़कें अभी बंद पड़ी हुई हैं और सारे राज्य के अंदर आपदा कोई इस आपदा को नहीं संभाल पाए तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो हमने तब तय किया था कि दबाव डालने के लिए सरकार पर कि आप नहीं करोगे तो हम 28 तारीख को उपवास करेंगे करके, तो आज उपवास कर रहे हैं क्योंकि सरकार फेल हो रही है। अभी तक ठीक तरीके से सब व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं और उसके बाद हम कांग्रेस के लोग आपस में तय करेंगे कि आगे क्या एक्शन प्रोग्राम करना है, ये चेतावनी है। वहीं कांग्रेस के उपवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस और हरीश रावत को खुश होना चाहिए कि आपदा के समय सरकार ने तेजी से काम किया है। आपदा आने के बाद सरकार हर जगह गई है, सभी पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि आपदा के तहत मिलने वाली सहायता धनराशि को भी सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। देखिए, सरकार ने आपदा में जितनी तेज़ी से काम किया है, हरीश रावत जी को उसमें प्रसन्न होना चाहिए था कि उन्होंने पहले भी आपदाएं देखी हैं। किसी भी आपदा में सरकार ने इतनी तुरंत एक्शन नहीं लिया और स्वयं जाकर सरकार हर जगह गई है, शासन गया है, प्रशासन गया है और 1.5 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक उस दिन हमारे प्रदेश के अंदर थे, श्रद्धालु थे, उसमें से एक को भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। वो सरकार का काम तेज़ी से चला, विभाग का काम तेज़ी से चला, हमारे प्रशासन के लोग एक्टिव हुए। हमने यात्रा उस दिन रोक दी थी और सभी लोगों को यात्रा न करने की भी अपील की थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ धाम में जाकर केदारनाथ बाबा से खुद को मुख्यमंत्री बनाए जाने का आशीर्वाद मांगा है, जिस पर अब हरीश रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो सिर्फ केदारनाथ बाबा से आशीर्वाद मांगा है, देने वाले तो बाबा केदारनाथ है। वो तो बाबा केदार को करना है, प्रार्थना करने के लिए और मांगने वाले आई एम ए बेगर, आई कैन नॉट बी ए चूजर, वो तो
चूज तो उनको करना है जिनको देना है, कैदार को देना है। मैं तो बेगर हूँ, मैंने क्या, लोग कहते थे क्या मांगा, तो मैंने कह दिया जो आपके दिल में सवाल था उसी का मैंने उत्तर दे दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के लिए तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विधायक अपनी विधायक निधि खर्च करने में फसड्डी साबित हो रहे हैं। कई माननीय विधायक तो ऐसे हैं जो विधायक निधि का 60-70% ही खर्च कर पाए हैं। आरटीआई के तहत इसका खुलासा हुआ है और इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। किसी भी विधायक को विधायक निधि इसलिए दी जाती है ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सके, लेकिन आरटीआई से हुए खुलासे में बीजेपी विधायक भी निधि खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए हैं। कई विधायक तो ऐसे हैं जो विधायक निधि का 60-70% ही खर्च कर पाए हैं। ऐसे में बीजेपी संगठन ने विधायक निधि खर्च नहीं करने पर संज्ञान लिया है और इस मामले में संगठन जानकारी भी जुटा रहा है। उत्तराखंड के 71 विधायकों में से 12 विधायकों की 70% से कम विधायक निधि खर्च हुई है। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष विधायक निधि को लेकर अपना ज्ञान बांटते नजर आए। देखिए, मैं आपको इसका एक समीकरण समझाता हूँ। विधायक एक अपने क्षेत्र के, सपोज करो उसको 4 करोड़ रुपए हैं, 4 करोड़ के एक पूरे प्रस्ताव बनाकर सीडीओ ऑफिस में देते हैं। सीडीओ उस सारी प्रक्रिया को पूरा करते हैं, पैसा जाने के बाद फिर वो प्रक्रिया में लंबा वो स्वीकृत हो जाते हैं। स्वीकृत होने के बाद फिर प्रक्रिया शुरू होती है कि आपका सपोज करो 25% काम पूरा हो गया, शुरू में 25% उसका भुगतान किया जाएगा, तो 25% भुगतान होने पर वो शेष बताते रहेंगे इतने पैसे बच रहे। आरटीआई से हुए खुलासे में एक विधायक की महज 50% विधायक निधि ही खर्च हुई है। 90% विधायक निधि खर्च होने वाले विधायकों में केवल नवीन दुमका शामिल है। सबसे कम विधायक निधि 50% खर्च करने वालों में केदारनाथ विधायक मनोज रावत है, जबकि सर्वाधिक 90% खर्च करने वाले नैनीताल विधायक संजीव आर्य भी है। इस मामले पर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल भी सफाई देते नजर आए। आंकड़े विधायक निधि के आंकड़ों में होता ही है कि ये आंकड़े ये सीडीओ कार्यालय से लेते हैं, जिसमें जब हम जैसे मैं कम से कम 7 महीने पहले अपनी पूरी की पूरी विधायक निधि लीक कर चुका हूँ, क्योंकि इनका ये होता है कि जब ये उनका संबंधित ब्लॉक से या निर्माण एजेंसी से जब उनके बाद एस्टिमेट बन के जाता है, एस्टिमेट बनने के बाद जब वो वहाँ से पैसा रिलीज करते हैं TS के बाद, तो इनके पास वो इनके आंकड़े होते हैं। विधायकों के द्वारा जो उनके द्वारा स्वीकृति दी गई है वो आंकड़े अलग हैं, और सीडीओ ऑफिस से इस्टीमेट बनने के बाद TS के बाद जो पैसा लीज होता है वो आंकड़े अलग होते हैं। विधायक निधि तय वक्त पर खर्च न करने को लेकर सरकारी नुमाइंदों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में विकास कार्यों को रफ्तार देना चाहते हैं और दूसरी तरफ विधायक निधि का खर्च न हो पाना कहीं न कहीं सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में प्रदेश विकास की राह पर आगे कैसे बढ़ेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। नरेंद्रनगर विधानसभा की पट्टी कोयली और पारकोट के केंद्रीय स्थल पोखरी बाजार में भाजपा मंडल गजा की ओर से सम्मान और अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि आधुनिक कृषि मंडी बनने से किसानों को अब बाजार नहीं ढूंढना पड़ेगा। इसके साथ ही मंडी में ऊंचे दर्जे का कोल्ड स्टोर होने से किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम मिल सकेगा, आय दोगुनी भी हो सकेगी। जो किसान को बाजार ढूंढना पड़ता है मंडी में, मंडी के खुलने से किसान के उत्पाद को एक बेहतर मार्केट मिलता है, और जो उसको भटकना पड़ता है खरीदारों के लिए, उससे भटकना रुक जाएगा और कहीं ना उसकी आर्थिकी को निश्चित रूप से काफ़ी फायदा मिलेगा। और इसी के उद्देश्य से बनाई गई है मंडी की, किसान की आय दुगनी हो, किसान का शोषण रुके, उसके उत्पाद को बेहतर मार्केट मिले। नई मंडी जो बनी है इसके प्रति ये सोच है कि मैं सबसे पहले किसानों के पास जाऊंगा, किसानों को हम कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यान के माध्यम से पहले कृषकों के और ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों को इस मंडी से जोड़े कि वो यहाँ कृषक जुड़ेंगे और ये इस मंडी को उत्तराखंड की पहाड़ की सर्वोच्च मंडी बनाएंगे।
गदरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने इंटर कॉलेज में डिग्री कॉलेज का शुभारंभ किया है। इस डिग्री कॉलेज में 7 विषयों पर पढ़ाई होगी, इसके लिए शिक्षक भी मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि ग्रामीण छात्रों को और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था और अब ये जाना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब डिग्री कॉलेज शुरू होने से छात्रों को सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही अरविंद पांडे ने कहा है कि डिग्री कॉलेज के लिए अलग से भूमि चयन कर पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। और हमारी सरकार ने इस महाविद्यालय की सौगात को पूरी किया है। मैं अपनी तरफ से अपने उच्च शिक्षा मंत्री जी, अपने मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट के सभी साथियों का, पूरी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ के जो अभिभावक हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस करते थे, उन सबकी कमियों को पूरा करते हुए आज महाविद्यालय की स्थापना हुई। आज प्रवेशोत्सव का पहला दिन है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहां बहुत प्रमुख विषय हैं, 7 विषय हैं, उन 7 विषयों के तहत पहली बारी में ही 7 विषय स्वीकृत होना अपने आप में ऐतिहासिक काम है। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कॉलरशिप के फॉर्म नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भरे जा रहे हैं। उधम सिंह नगर की जिला प्रभारी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पल्लवी बिष्ट ने बताया है कि फॉर्म ऑनलाइन भरने की जो आखिरी तिथि है वो 15 नवंबर है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि जिन अभिभावकों की सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है, वहाँ इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें यही कहना चाहूँगी कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राएं हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, और ऐसे इसमें छात्र छात्रा आवेदन कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो। और जैसे आपने पूछा इसकी अंतिम तिथि कब है, इसकी अंतिम तिथि अप्लाई करने की 15 नवंबर है। कोरोना पर सरकार ने काबू तो पा लिया, लेकिन प्रदेश में अब डेंगू ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में 19 और 20 अक्टूबर को हुई भारी बारिश के बाद डेंगू के मामलों में ज्यादातर उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि विभाग ने अपनी तरफ से दावा किया है कि डेंगू पर काफी कंट्रोल है। देखे रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना का खतरा कम हुआ तो राज्य में डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हाल ही के दिनों में हुई बारिश के बाद डेंगू के मामलों में तेजी से उछाल आया। प्रदेश में अब तक 391 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं रुड़की में मामले सबसे ज्यादा देखने को मिले, जबकि देहरादून में अब तक 79 मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा ने इस बात का दावा किया है कि विभाग की तरफ से डेंगू के खात्मे के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्टेड हुए हैं और एक डेथ हुई है। हालांकि अपनी तरफ से काफ़ी कंट्रोल, हमारा काफ़ी जो समय निकला पिछला बहुत ही कंट्रोल वे में रहा। आखिर की जो वेव आई, बारिश आई, उसमें थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आ गई है, और वो भी हमारे एक सेलेक्टेड एरिया में आई है। हरिद्वार के नारसन ब्लॉक में है और एक बादरा ब्लॉक में, तो वहाँ पर जो हमारे टीम है, इवन मेरे द्वारा भी वहाँ पर जाके विजिट किया गया था। तो हमारी टीम हर रोज़ जाती है, हर रोज़ 9 बजे से लेके 3-4 बजे तक वहाँ पर रह रही है, जहाँ और घर घर में हमारी आशाएं जाके जहाँ फीवर वाले पेशेंट्स हैं उनको उनके द्वारा वहाँ लाया जा रहा है। डेंगू को लेकर डॉक्टर्स भी लोगों को सावधानियां बरतने की सलाह देने के साथ तुरंत बुखार के लक्षण पर डॉक्टर को दिखाने की अपील कर रहे हैं। इतना प्रभावित अभी नहीं है, लेकिन हाँ आसपास के गांव, हम अगर हम कहें जैसे गाधारोना गांव और आपके सुनने में आएगा 2-3 गांव और हैं जो इस चपेट में हैं, तो सबसे मेरा आग्रह यही है कि अपना सफाई का ध्यान दें, पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें और मच्छरदानी का यूज़ करें, और अगर कोई डेंगू पीड़ित पेशेंट है तो आप तुरंत से तुरंत CSC आके हमसे संपर्क करें। उधर राजधानी देहरादून में नगर निगम भी डेंगू के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए शहर भर में छिड़काव और फॉगिंग का काम कर रहा है। इसके साथ ही दून में बढ़ते मामलों पर आज मेयर सुनील उनियाल गामा ने बड़े स्तर पर बैठक कर अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। मैंने स्वास्थ्य विभाग की अपनी पूरी टीम के साथ जो है एक बैठक करी है, और इसके लिए हमने एक कार्य योजना बनाई है कि जहाँ जहाँ डेंगू के मरीज, डेंगू का लार्वा जहाँ मिल रहा है, वहाँ के लिए एक वृद्ध स्तर पर जो है इसको अभियान चलाकर और इसको लार्वा भी नष्ट करना है, और इसको फॉकिंग के माध्यम से चाहे सैनिटाइज के माध्यम से इसको जो डेंगू का जो प्रकोप है इसे खत्म करने के लिए हमने एक रणनीति बनाई। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को थामने के लिए प्रदेश भर में अभियान के साथ तमाम उपाय किए जा रहे हैं, जिससे डेंगू से लोगों को बचाया जा सके। ऐसे में लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है, ताकि डेंगू से जंग लड़ने में कामयाबी हासिल हो सके।
टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान और रुड़की से फिरोज की रिपोर्ट। उत्तराखंड के वन अनुसंधान केंद्र में प्रदेश का पहला एरोमेटिक गार्डन तैयार किया गया है, जिसमें 140 सघन प्रजातियों को लगाया गया है। इस एरोमेटिक गार्डन में लगाए गए पौधों के अर्क का इस्तेमाल दवाई, मसाले और अन्य कई जड़ी बूटियों में किया जाएगा। इसके साथ ही आजीविका से जुड़े कार्यों में भी यह मददगार साबित हो सकेगा। और इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। लालकुआ के वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली सुरभि वाटिका, जिसे अंग्रेजी में एरोमेटिक गार्डन कहा जाता है, ये वाटिका बनकर तैयार हो चुकी है। इस गार्डन में 140 सगंध प्रजातियों को लगाया गया है। इस वाटिका को बनने में पूरे 3 साल लगे। अब इसका उद्घाटन महाराष्ट्र की वन टच एग्रीकॉन संस्था की संचालिका बीना राव और मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने किया है। आपको बता दें कि इस वाटिका में देश के अलग अलग राज्यों से सगंध प्रजातियों को लाकर यहां पर लगाया गया। ये देश की पहली सुरभि वाटिका है। इसके बनने से प्रजातियों के संरक्षण, शोध और जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आजीविका से जुड़े कार्यों में भी ये मददगार साबित होगा। इस गार्डन में सगंध उपयोगी 140 प्रजातियों का रोपण किया गया है, जिसमें राम तुलसी, श्यामा तुलसी, कपूर तुलसी, अफ्रीकी तुलसी सहित तुलसी के 20 तरह की प्रजातियां लगाई गई है। कैंपर योजना के तहत शुरू किए गए इस गार्डन में दक्षिण भारत से चंदन, उत्तर भारत से अगरवुड, तटीय क्षेत्र से केवड़ा, तराई क्षेत्रों से पारिजात सहित कई लोकप्रिय प्रजातियां यहां पर लगाई गई है। वह सुगंधित गार्डन में जैस्मीन की 9 प्रजातियां, पुदीने की और हल्दी की 4-4 प्रजातियां, अदरक की 3 प्रजातियों सहित लाल अदरक, रेत अदरक और कई ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं, जिनके पौधों से अर्क निकाल के उसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, स्वाद, मसाले और कीटनाशक दवाइयों के बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके चलते यह देश का पहला एरोमेटिक गार्डन बन गया है। यहाँ कई पौधे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने और आसपास के वातावरण को सुगंधमय बनाने के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। भविष्य में सगंध प्रजातियों के पौधों को लालकुआ और आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों को बांटे जाएंगे। एक कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे सारे एरोमेटिक प्लांट्स पूरे देश से मंगाए गए हैं और इनको कंजर्वेशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों होगा और 1-2 साल में सभी लोगों को ये पौधे उपलब्ध भी हो जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादातर अगर का जो नॉर्थ में, ईस्ट में रहता है वो प्लांट से लेके साउथ में केरला में इलायची छोटी रहती है, वहाँ काला मरी और गूगल, सभी तरह के पूरे देश की प्रजातियों को इकट्ठा किया गया है और ये बहुत ही अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है। देश में अपने तरह का सबसे बड़ा एक सगंध प्रजातियों का केंद्र है। इसमें 140 के करीब प्रजातियां संरक्षित की गई हैं और इसमें पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, दक्षिण भारत से चंदन की प्रजाति, उत्तर पूर्वी भारत से अगरवुड की प्रजाति, तटीय क्षेत्रों से केवड़े की प्रजाति और हमारे तराई के क्षेत्र से जो पारिजात की प्रजातियां हैं, तो इस तरह की अलग अलग प्रजातियों को एक जगह एक साथ लाकर संरक्षित किया गया है। टाइम टीवी के लिए लालकुआ से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर, नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन, पूजा अर्चना कर मांगी प्रदेश की खुशहाली की दुआ, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर चल रहे निर्माण कार्यों का भी लिया जायजा। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारियां तेज, खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी रख रहे हैं तैयारियों पर नजर, करोड़ों की योजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। और आपदा पर प्रदेश में गरमाई सियासत, धरना और उपवास कर रहे कांग्रेसी, सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा आपदा में सरकार ने तेजी से किया काम, विपक्ष को होना चाहिए खुश। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम,
जैसे सिलाई बुनाई फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22,000 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। चहुंमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग है हम, उत्तराखंड है हम।